और हम लोग अब निकल चुके हैं एक ट्रेजर हंट के लिए। हमें खजाना मिलने ही वाला है शायद। खजाने की खोज भाग दो। इन पथरीले रास्तों से गुजर के हमें अपनी मंजिल मिलने वाली है। इस मंजिल की तलाश में हम चले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं पहले से, और शायद 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पथरीले रास्ते। कठिन चुनौतियों का सामना करके ही मंजिल प्राप्त करने का जो आनंद आता है वो अनबिलीवेबल होता है। एक और खूबसूरत रिवर स्ट्रीम हमारा इंतजार करते हुए। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। खूबसूरत जगह। और उससे भी खूबसूरत ये नजारा। सुबह के 9 बज रहे हैं, 25 अक्टूबर। जाने की खोज भाग 3।
भाग दो तक हमें खजाना नहीं मिल पाया था, देखते हैं इस एपिसोड में हमें खजाना मिलेगा या नहीं। खजाने की खोज जारी है। अंकल हमारा मार्गदर्शन करते हुए। तितली, अच्छे कांटे भी हैं। अरे देखते रहिए, एक चमत्कारी अनुभव आपको होने वाला है कुछ ही समय के उपरांत। कल इधर तो नहीं जाना, पहले खेती करते थे हम। अच्छा अच्छा, जंगली है ना ये। घने जंगलों में हम चले जा रहे हैं, शायद ऐसे ही एक घंटा और चलना पड़ेगा। मुश्किलों को हटाते हुए कटीली झाड़ियां आसपास कोई शेर तो नहीं है। मुश्किल रस्तों के बीच से निकलना, पहाड़ों का एक अभिन्न अंग है और यहाँ के निवासी करीब करीब हर रोज इन खतरों का सामना करते हैं।
ये कठिन रास्ते देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे भी शायद शूज पहन लेने चाहिए थे। और जितना जाना कठिन लग रहा है, मुझे लगता है लौटना उतना ही मुश्किल होगा। देखिए आगे मकड़ी ने जाला बना रखा है, इसका मतलब सदियों से यहाँ कोई आया नहीं। इस वीराने में जानवरों के अलावा किसी मनुष्य के कदम लगता है काफी 100 सालों के बाद पड़े हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि इन चुनौतियों का सामना करने के बाद हमें खजाना अवश्य मिलेगा। ये हड़प्पा सभ्यता की नालियां आप जो देख सकते हैं, ये हड़प्पा कल्चर में बनाई गई थी। मोहनजोदाड़ो सभ्यता का प्रतीक ये वाटर सप्लाई के लिए जो उन्होंने उस समय बनाया था अभी तक कायम है। सबके कपड़ों में लगे हैं, ये तो हाथों में भी लग गए। अरे वाह इससे ये साबित होता है कि 200 साल पहले भी दूरदर्शन आता था। चलो बाकी कहाँ जा रहे हो भाई, सब ऐसे ही होगा। और ये भाई यहीं पर जाना है, वहाँ से दिख जाएगा नीचे जगह नहीं। बस कुछ ही मिनटों के उपरांत हम अपने खजाने की लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं। और वहाँ सोने की अशर्फियों से भरी हुई पोटली हमारा इंतजार कर रही है।
जंगल में आग लग जाएगी पूरा। एक बार फिर हम मोहनजोदाड़ो के समय की नालियों के ऊपर विचरण करते हुए जी समय तो मतलब जब हम आए थे प्लेन था एकदम, ये झाड़ी वाड़ी हो गई ना, हाँ एकदम प्लेन था। बहुत ही खतरनाक जगह पर हम लोग अपने कदम बढ़ाते हुए, ये तो पूरा पहाड़ ही है, निरंतर प्रयास जारी है खजाने की खोज के लिए। जैसा कि आपने सुना होगा बचपन में, बत्ती आ गई, लाइट आ गई, शोर मच जाता था, वैसे ही यहाँ पर सिग्नल आ गए शोर मच जाता है। सिग्नल आना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है समय के लिए, सुखद अनुभव। आप अपना सुखद अनुभव शेयर करिए, सिग्नल आए क्या आपके? एयरटेल से आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? चलिए आपकी ये कंप्लेंट एयरटेल तक पहुंचा दी जाएगी। क्या है यहाँ पर? ये पानी था ना। अच्छा नहीं नहीं आगे क्या है? आगे पेड़ है, आगे। अच्छा अच्छा आम का बगीचा। तो इससे आप समझ गए कि हमारा जो ट्रेजर हंट था वो आम के बगीचे के लिए था, और ये आम का बगीचा ही हमारा खजाना है। नीचे खजाने की प्राप्ति हो चुकी है, हमें आम का बगीचा मिल चुका है आखिरकार। हाँ ये
कार्यक्रम उनके हैं, गोपाल के भाई के, हमारे 200 के करीब सारे कल यहाँ से ना जहाँ तक नजर जा रही है। और इसमें नींबू भी है, हमें वो कह रहा था अमरूद जो आ रहे हैं आजकल, ये अमरूद का पेड़ है ना है? हाँ, 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 ये कह रहा था कि अमरूद हैं आजकल, नजर तो नहीं आ रहा है। पटल भी है, लीची भी है, ये झंकाड़ हो रहा नहीं सुन देते तो ये कोई भी जगह है ना रख रखाव भी मांगती है, यही है मेंटेनेंस नहीं है ना तो फिर चीज़ें खराब होने में टाइम लगता है जंगलों में। तो आप देख चुके हैं कि हमें खजाने की प्राप्ति हो चुकी है और बगीचा हमें आम का मिल चुका है, हालांकि आम नहीं लगेगी तो आम का सीज़न नहीं है, और ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में। एग्जैक्टली और अब हम वापस जाते हुए ऐसे ही किसी एक नए एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वो खूबसूरत वादियाँ हैं, और अब एक ट्रिप आते हैं और नीचे वही रिवर स्ट्रीम दिखाई दे रही है जहाँ से कुछ समय पहले हम लोग चले थे। शब तो मार लो, बस बस ज्यादा कैरेटे होने की जरूरत नहीं है। है।